अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अली अमीन फ्रॉम गोल्डन गेट प्रॉपर्टीज़। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं बैरिया टाउन लाहौर सेक्टर ई में, जहां पे रिंग रोड का काम हो रहा है। हमें काफ़ी दिनों से क्वेरीज आ रही थी कि जी रिंग रोड की डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, वो हमें दिखाएं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर ई में, जहां से रिंग रोड गुजरनी है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह स्पीड से रिंग रोड पर काम हो रहा है। दिन रात 24 घंटे यहाँ पर मशीनरी लगी हुई है, हर वक्त काम हो रहा है और बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। एक्सपेक्टेडली हम उम्मीद करते हैं कि बाय द एंड ऑफ जनवरी 2024 ये रिंग रोड जो है कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, इसके कंप्लीट होने से रियल एस्टेट मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? सबसे बड़ी बात, यहाँ की जो कमर्शियल मार्केट है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बूम कर चुकी है रिंग रोड बनने के, जब से रिंग रोड पे काम स्टार्ट हुए तब से। और जो फेज़ आप देखते हैं कि जिस तरह से लेक सिटी में बूम आया था रिंग रोड के बनने से, उसी तरह का बूम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी विद इन कपल ऑफ मंथ्स हम यहाँ पे कमर्शियल मार्केट में देखेंगे। ऑल्दो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल की प्राइसेस जो है अप्रिशिएट हुई हैं। अगर आप सेक्टर एफ टीपू सुल्तान को ही ले लें, जो कि लास्ट ब्लॉक था बेरिया का, वहाँ पे 1.5 करोड़ का कमर्शियल 5 मरले का कोई बायर नहीं होता था। इस वक्त वहाँ पे भी कमर्शियल के रेट्स ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, 3 से ऊपर वहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स वहाँ पे चल रहे हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं बैरिया टाउन सेक्टर सी का कमर्शियल। ये सबसे बड़ा कमर्शियल हब है बैरिया टाउन का, जो कि सेक्टर सी की मेन बुलेवर्ड लेफ्ट राइट दोनों साइड्स पे है। 5 मरला और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं यहाँ पे, और फुली डेवलप्ड और कमर्शियल एक्टिविटी अपने फुल बूम पे है यहाँ पे। पहले यहाँ पे होता था, कुछ साल पहले चले जाएं आप, तो यहाँ पे होता था कि इस साइड पे सारे प्रॉपर्टी डीलर्स और रियल एस्टेट वाले कंपनी सारे वो लोग बैठे हुए थे। बट अब सारा ट्रेंड चेंज हो गया है, इस साइड पे सारे कमर्शियल्स में फूड चेन्स आ गए हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं, बैंक्स आ गए हैं, और शूज़ के ब्रांड्स, क्लोथिंग के ब्रांड्स, टोटली ये जो कमर्शियल हब है ना सेक्टर सी वाला, ये ब्रांड्स की तरफ चला गया है। प्राइसेस की बात करें तो मेन बुलेवार्ड पे प्राइस तकरीबन 15 करोड़ को भी टच कर रही है 5 मरला के प्लॉट की। ये आपने आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं शूज़ के ब्रांड्स हैं, इसी तरह फूड चेन्स आ गई हैं, बट कढ़ाई है, KFC है यहाँ पे, मतलब बेतहाशा चेन्स, आइसक्रीम की चेन्स, ये सारा कुछ आ गया है। ये जो बुलेवार्ड जिससे हम गुजर रहे हैं, ये बैरिया की सबसे बड़ी बुलेवार्ड है, एंड दिस इज़ नोन एज द बैकबोन ऑफ बैरिया टाउन। ये 210 फीट वाइड बुलेवार्ड है और थ्रू आउट पूरे बैरिया को कनेक्ट करती है। पूरा बैरिया टाउन इसके लेफ्ट राइट पे लोकेटेड है, जितने ब्लॉक्स हैं सबको ये लिंक करती है मेन बुलेवार्ड सेक्टर सी की। और सबसे बड़ा कमर्शियल हब ये है, इसमें जो कमर्शियल्स हैं यहाँ पे उनकी रेंटल इनकम भी आपको बहुत अच्छी आ सकती है। इसके अलावा जैसे ही हम सेक्टर सी की जामिया मस्जिद क्रॉस करते हैं, तो हम एंटर हो जाते हैं सेक्टर ई के कमर्शियल में। अब जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं और सब बिल्डर्स हैं, वो सब ट्रेंड आगे मूव हो गए, वो सेक्टर ई और एफ़ की तरफ चले गए हैं, क्योंकि वहाँ पे कंपैरेटिवली रेंट्स सेक्टर सी से कुछ कम हैं और जो कमर्शियल की प्राइसेस हैं वो भी कंपैरेटिवली वहाँ पे कम हैं। तो बैरिया टाउन लाहौर में आप अपना कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए अपना प्लॉट लेके यहाँ पे प्लाजा बनाएं, और उस पर आप अच्छा रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कमर्शियल सेल परचेज़ के लिए आप हमसे हमारे दिए हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।